दोस्तों, अगर आप सीरियल देखने के बेहद शौकीन हैं तो आप सभी ने साल 2016 में एनटीवी पर टेलीकास्ट हुआ शो बहू हमारी रजनीकांत तो जरूर देखा होगा, जिसकी कहानी रोबोट बेस्ड थी, जिसे दर्शकों द्वारा इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि जिसका पूरा क्रेडिट जाता है सीरियल में नजर आए स्टार कास्ट को, जहाँ इन्होंने अपने अलग अलग प्रदर्शन से सीरियल में चार चांद लगाए थे। लेकिन दोस्तों, आज इस शो को ऑफ एयर हुए तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन बीते 4 सालों में आज शो के स्टार कास्ट कहाँ है और कैसी है इनकी जिंदगी, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो देर ना करते हुए और बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिरकार बहू हमारी रजनीकांत के ये स्टार्स आजकल कहाँ हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 1, तन्वी ठाकुर। सीरियल में शर्मिला का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि ब्यूटीफुल और गॉर्जियस अदाकारा तन्वी ठाकुर ही थी, जिन्होंने इस किरदार को काफी ज्यादा पर्दे पर खूबसूरती से उतारा और इसी के द्वारा ये फेमस हो गई। लेकिन वही अगर बात की जाए शर्मिला के किरदार में नजर आई अभिनेत्री तन्वी ठाकुर के बारे में, तो आपको बता दें कि आज 36 साल की हो गई है और आज जहाँ ये सीरियल में सादगी भरे अंदाज में नजर आई थी, तो वही अब बीते 4 सालों में काफी ज्यादा चेंज हो गई है। जहाँ इन्हें आज काफी ज्यादा मॉडर्न लुक में देखा जाता है, वही इनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा एनहांस हो गई है, जो कि आप इनकी तस्वीरों के जरिए देख ही पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन्होंने जानवर मूवी फेम अभिनेता आदित्य कपाड़िया के साथ साल 2013 में शादी की थी और उन्हीं के साथ टीवी इंडस्ट्री की माया नगरी से दूर होकर मुंबई में बेहद खुशहाल और आलिशान जिंदगी जी रही है। नंबर 2, नील मोटवानी। सीरियल में अभिनेता अनिल मोटवानी देवेंद्र की भूमिका पर्दे पर पेश करते हुए नजर आए थे, जिनके इस किरदार ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं अगर बात की जाए अभिनेता अनिल मोटवानी आज कैसी लाइफ जी रही हैं, तो आपको बता दें कि इस सीरियल से निकलने के बाद इन्होंने टीवी के कई और सीरियल्स में काम किया, जहाँ इन्होंने अपने करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है, जिन्हें हैवान सीरीज में देखा जा चुका है। इसी के साथ आपको बताते चले कि सीरियल में हैंडसम हंक और अट्रैक्टिव नजर आए अभिनेता अनिल मोटवानी आज और भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो गए हैं, जिन्होंने बीते 4 सालों में अपने आप पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि इनकी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो गया है और आप भी इनकी तस्वीरों के जरिए खुद अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आज ये काफी ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में ये टीवी एक्ट्रेस विद्या तिवारी को डेट कर रही हैं। नंबर 3, राजेंद्र चावला। शांतनु के पिता और रजनी के ससुर अमरीश कांत के किरदार को निभाते हुए अभिनेता राजेंद्र चावला नजर आए थे, जिनका ये किरदार काफी ज्यादा कॉमेडियन था, जिसे पर्दे पर पेश करके ये सभी के दिलों में उतर आए थे। वहीं आपको बताते चले कि सीरियल में अमरीश कांत के किरदार में नजर आए अभिनेता राजेंद्र चावला पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां का साया देखने लगा है और साथ ही साथ इनके बाल भी धीरे धीरे सफेद होते जा रहे हैं, जिसके चलते अभी काफी ज्यादा बूढ़े भी नजर आने लगे हैं, जो कि आप इनकी तस्वीरों के जरिए देख ही पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको बताते चलें कि अपने करियर को आज भी इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है, जिन्हें हाल ही में आई तूफान फिल्म में देखा गया था। वहीं आज ये अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अंधेरी में काफी ज्यादा लग्जीरियस लाइफस्टाइल और खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 4, करण ग्रोवर। सीरियल में शांतनु का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असल नाम करण ग्रोवर है, जिन्होंने रजनी के पति का किरदार निभाया था और इसी किरदार के जरिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन आपको बताते चले कि अभिनेता करण ग्रोवर आज 38 साल के हो गए हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा काफी ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग नजर आने लगे हैं। जी हाँ, भले ही इन्हें सीरियल में काफी सादगी भरे अंदाज में देखा जा चुका हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ इन्होंने अपने पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और एनहांस बना लिया है, जो कि आप इनकी तस्वीरों के जरिए भी देख ही पा रहे होंगे। वही आपको बताते चले कि इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जिन्हें हाल ही में आई शो कहां हम कहां तुम में देखा गया था। वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों कि इन्होंने हाल ही में पॉपी जब्बल के साथ सगाई रचाई है और जल्द ही उनके साथ शादी भी रचाने वाले हैं। नंबर 5, इस सीरियल में रोबोट रजनी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री रही रिधिमा पंडित, जिन्होंने इस किरदार को निभाकर दर्शकों द्वारा खूब सारी तारीफें बटोरी थी। वहीं आपको बताते चलें कि अभिनेत्री रिधिमा पंडित इन बीते 4 सालों में 30 साल की हो गई हैं और साथ ही पहले से काफी ज्यादा बदल गई हैं। जी हाँ, सीरियल में सादगी भरे अंदाज में बेहद ही खूबसूरत ये नजर आई थी, तो वहीं अब ये काफी ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न हो गई हैं, जो कि अक्सर वेस्टर्न ड्रेसेस में स्पॉट की जाती हैं, जिनका लुक देखने में काफी ज्यादा काबिल तारीफ लगता है, जिनकी खूबसूरती को देखकर आप भी इनकी तारीफें करते हुए खुद को रोक नहीं पाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है, जिन्हें अमेजॉन ट्रिप ऑफ इंडिया में देखा गया था। आपको बता दें कि आज वो सिंगल ही अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रही हैं।
दोस्तों आपको रजनीकांत सीरियल में किस कलाकार का अभिनय सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और पसंद आया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।